खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है, जहां नगर पंचायत बीकापुर अध्यक्ष पद का चुनावी बिगुल बजते ही प्रत्याशियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वजह से करीब एक दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर अपनी अपनी जीत का डंका बजा रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरान अहमद की, जो विगत कई वर्षों से समाज सेवा के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहकर बीकापुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी लेकर चुनावी मैदान में उतरकर ताल ठोक रहे हैं। पार्टी की बात करें तो वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने के फिराक में हैं। सूत्रों की माने तो प्रत्याशी इमरान अहमद विगत कई वर्षों से समाज सेवा के साथ साथ क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में अपना हाथ भी बटाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर और जनता के कहने पर वह चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और बीकापुर नगर पंचायत क्षेत्र के वह कई बार सभासद रह चुके हैं। इसी कड़ी में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, यदि क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दिया तो बीकापुर सब्जी मंडी मेरी विकास की पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा, बीकापुर की सब्जी मंडी का कायाकल्प पूरी तरीके से बदल जाएगा, जिससे आवागमन की सुविधा बनी रहे और क्षेत्रवासी अपना बाजार व्यवसाय कर सके। उन्होंने मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि शौचालय और आवास के नाम पर एक बड़े स्तर पर धांधलेबाजी की गई है। उन्होंने कहा, विकास और काम के नाम पर मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष ने क्षेत्र की जनता को लॉलीपॉप दिखाया है। इनकी कार्य योजनाओं से सभी वार्ड के वासी बहुत ही नाराज हैं। उन्होंने कहा, यदि क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं उनका मसूबों पर 100% खरा उतरूंगा। बिल्कुल जीड़ छीड़ हो चुकी है, बिल्कुल टूट फूट चुकी है। जैसे मुझे मौका मिला, यदि जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं नालियों की मरम्मत करवाऊंगा, सड़क टूटी फूटी है उनकी मरम्मत करवाऊंगा, जहां सड़क नहीं बनी है उसको सड़क बनवाऊंगा, और पानी की व्यवस्था है, पानी कहीं चल नहीं रहा है, टंकी 2 महीने 3 महीने से बंद है, यदि मुझे जनता ने मौका दिया तो पानी की टंकी तत्काल चलवाऊंगा और हर घर तक पानी पहुँचूँगा। सब्जी मंडी लगभग कई सालों से मेन रोड पे, हाईवे पे, इलाहाबाद हैदराबाद हाईवे पे लगती है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होता है, तमाम किसानों को, तमाम व्यापारियों को परेशानी होती है। यदि मुझे जनता ने मौका दिया तो सब्जी मंडी कहीं अनियंत्रित रोड से हट के मैं बनवाऊँगा, जिससे किसानों को और व्यापारियों को लाभ मिल सके। और ये तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से है जो पात्रों तक नहीं पहुंचती, जैसे आवास है और तमाम चीज़ हैं, आवासों में दलाली होती है, इन सब चीज़ों को बंद करवा के हर गरीब के घर तक का घर बनवाऊंगा। अभी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पार्टी के बैनर तले ही चुनाव लड़ूंगा। भावना मेरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ज़्यादा। क्या कहेंगे इनकी कार्य योजना से? हम क्या पूरे, हमारे नगर की जनता नहीं संतुष्ट है? अगर इनको नंबर देना हो तो 100 में 0 मिलेगा, कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में, एकदम नाक के बराबर। जो काम भी हुआ है वो सिर्फ हाई मास्ट और पानी का, जिसमें अच्छा कमीशन था, जिसमें ज़्यादा पैसा मिलना था वो काम।